हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान का वीडियो ब्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं बेलापुर की सरजमी पे हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो आज का क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोग बताऊं गाइस। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह काफी करामती दरगाह है। कहा जाता है कि इधर पे एक जिन्नात है जो कि सांप की शक्ल में आया करता है इस दरगाह पे, और जब कोई इंसान इसे देख लेता है तो वो फौरन ही गायब हो जाता है। तो आज हम जानेंगे हजरत की बारगाह की हिस्ट्री, तो क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोग बताऊं गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान का वीडियो ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ हजरत अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, जो कि बेलापुर CBD में है, दरगाह है। तो क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोगों बताऊं गाइस। तो अभी मैं ग्वांडी स्टेशन आ चुका हूँ, अब इधर से हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे बेलापुर, और क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोगों बताऊं गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेलापुर। अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकले, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं स्टेशन है, और उधर से अभी हम लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, और हम लोग ने अभी लोकेशन सर्च कर लिए है। तो इधर से 12 मिनट का कुछ रास्ता है दरगाह पे जाने के लिए। तो क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोग बताऊं गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बेलापुर। अभी बेलापुर से हम लोग जाएंगे दिवाले गाँव। दिवाले गांव करके एक इलाका है, वहीं पे हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। तो आज हम लोग उधर जाएंगे और जियारत करेंगे हजरत की बारगाह की। तो क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोग बताऊं गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो लोग मुझे इंस्टा आईडी पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किए हैं, वो उधर पे भी मुझे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने समंदर है, और इधर ये मछुआरों का इलाका है, और इधर ही पे दरगाह है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह हजरत सैयद अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है ये। तो अभी हम लोग जाएंगे दरगाह पे और ज़ियारत कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सो गए हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों बताऊं गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सुनने में आया कि माशाल्लाह काफी करामती दरगाह है, तो इनका उर्से पाक कब मनाया जाता है और कौन कौन सी तारीख में इनका उर्से पाक मनाया जाता है, तो हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख रहे हैं खान का वीडियो ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आ चुका हूँ बेलापुर की सरजमी पे हजरत ख्वाजा अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग इसी दरगाह की ज़ियारत करने वाले हैं। तो क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आज मैं हजरत की आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव ज़ियारत कराने वाला हूँ हजरत की बारगाह की, और इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सरकार की हिस्ट्री, सरकार कौन थे, कहां से आए थे और क्या क्या करामतें हैं इनकी। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हजरत की बारगाह का वजू खाना है और इधर काफी माशाल्लाह खूबसूरत इलाका है ये, और काफी शांति का माहौल है इधर पे माशाल्लाह से। तो आप लोग जरूर आइएगा इस दरगाह पे जो कि बेलापुर में है ये दरगाह। तो क्या कैसा माहौल है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह, अब आप लोग ज़ियारत कीजिए हज़रत सैयद ख्वाजा अमीन शाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह की, और मैं आप लोगों को साथ ही साथ सरकार की हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि इनकी क्या क्या करामतें हुई है, और इनका उर्से पाक कब मनाया जाता है और कितने दिन का उर्से पाक मनाया जाता है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और आप लोग ज़ियारत कीजिए। जो भी आप लोगों की जायज़ तमन्नाएं दिली मुरादें हैं वो आप लोग सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़ल सरकार के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी सारी दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़ियारत कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को सरकार की हिस्ट्री बताता हूँ। तो इनका नाम है हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहा जाता है कि इनका जो सिजरा मुबारक है वह हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से जा मिलता है, और कहा जाता है कि ये दरगाह 150 से 200 साल पुरानी है जो कि बेलापुर के इलाके में है। और इधर पे आप लोग आ सकते हैं, बेलापुर स्टेशन से 20 मिनट का रास्ता है पैदल चल के आएंगे तो, और अगर रिक्शे से आएंगे तो 5 मिनट में आप लोग इधर पहुंच सकते हैं। किसी को भी आप पूछेंगे या किसी रिक्शे वाले को भी आप लोग कहेंगे कि हमें अमीन शाह बाबा की दरगाह पे जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला आपको 20 मिनट के अंदर अंदर छोड़ देगा। तो इनकी हिस्ट्री ये है कि कहा जाता है कि इस दरबार के पीछे ही एक छोटा सा कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में एक जिन्नात को दफन किया गया है, जो कि इधर के ज़ायरीनों ने बताया हमें कि वो जिन्नात सांप की शक्ल इख्तियार करके दरबार में आया करता था, और जैसे ही कोई ज़ायरीन उन्हें उसे देख लेता था उस सांप को, वो फौरन ही गायब हो जाया करता था। तो ये है सरकार की जिंदा करामत। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समंदर दिखाया था, जो भी मैंने आप लोगों को, वो मछुआरों का इलाका, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई भी परेशानियाँ होती है, वो तुरंत हजरत की बारगाह में आते हैं और दुआ करते हैं हजरत की बारगाह में। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़ल उनकी सारी दिली तमन्नाएं, मुरादें और सारी बीमारियां दूर हो जाती है, उनकी हर एक दुआएं कबूल होती है इस दर से। तो माशाल्लाह वो लोग बहुत मानते हैं इस दर को, और इनका उर्से पाक जो कि दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, कहा जाता है कि दिसंबर के महीने में जो भी उर्दू महीना होता है उसमें 18 तारीख नवी शब इनका उर्से पाक मनाया जाता है, यानी कि 17 तारीख को गुस्ल होता है और 18 और 19 तारीख को संदल मनाया जाता है, इनका उर्से पाक मनाया जाता है।
तो कहा जाता है कि 150 से 200 साल पुरानी यह दरगाह है, बेलापुर में है ये दरगाह। आप लोग जरूर आइएगा, एक बार ज़ियारत कीजिएगा हजरत की बारगाह की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग आए इधर पहली बार, और वो भी सब आप लोगों की वजह से, कि मुझे माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे वीडियो पे कमेंट आते हैं कि भाई आप इस दरगाह पे जाइए, आप इस दरगाह पे जाइए, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अभी हम लोगों को काफ़ी सुकून मिला इस दरगाह पे आकर के। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा इस दरगाह पे और फैज़ आम हासिल कीजिएगा। तो अभी चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो लोग मेरे इंस्टा आईडी पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए हैं, वो मुझे जाकर के वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल मैं उधर से आप लोगों से पर्सनल बातें भी कर सकता हूँ कुछ, जैसे कि आप लोगों के इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्से पाक चालू हो चुका है या चालू होने वाला है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए या मुझे DM कीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ल मैं आप लोगों के कहने पे उधर पे आऊँगा और उधर का वीडियो शूट करूँगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो के साथ लौटूंगा, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत शादात वली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, ये भी बेलापुर में ही है। तो जो लोग मुझे बेलापुर से देख रहे हैं, अगर जिन लोगों को भी इस दरगाह के बारे में कुछ भी जानकारी है, तो लोग मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ये पार्ट 2 हमारा बहुत जल्द आएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कैसा माहौल है। तो इस पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।